कोई ठीक सादा करना। हाँ ठीक ठीक है। आज की तारीख है 18। आज 18 सितंबर 2020 है। बंजर भोज करके हम लौट रहे थे। अब क्योंकि हड़बड़ होता है, तमाम लोग होते हैं, जाना है, गाड़ी वहाँ खड़ी है। और हमारे सबसे प्रिय जन अवस्थी जी, राजेंद्र अवस्थी जी, उनको पता बताया कि बाबा की गाड़ी खड़ी है, बाबा बैठे हैं। ये हमको बुलाने गए, जब इनको देखा आ रहे तो शीशा मैंने खोला, शीशा बंद कर देते हैं गाड़ी की वजह से। तो इन्होंने कहा कि आपने पहचाना, हमने कहा बिना पहचाने हमने शीशा खोल दिया। खैर वो बुला के लाए। अब ये तय हुआ कि हर पूर्णमासी को हम आएंगे, चाय पिएंगे और हर पूर्णमासी को कोई न कोई अद्भुत फल इनको भेंट करेंगे, कोई न कोई अद्भुत। तो अद्भुत का तो सीजन होता है, अद्भुत और कोई है, कुछ न कुछ प्रसाद आता रहेगा ताकि पूरी दुनिया देखे। और इनके अंदर जो जो हमारे अंदर सोच है वही आपकी है। हमने पूछा भैया राजनीति में, कहीं महाराज इस रंग कहेंगे विश्व में पहला चांस है, सुनो दुनिया वालों, पहला व्यक्ति है विश्व में, पहला व्यक्ति है जो राजनीति धर्म दुनियादारी छोड़कर पर्यावरण के विषय में, जीव जंतुओं के विषय में, उनके उत्थान के लिए और पारण भोज, इस तरह का सोच किसी किसी व्यक्ति में मिलता है। और आज के समय में तो हमारी समझ से कहीं ढूंढना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति श्याम साधु का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इनके बीच में अभी हनुमान जी ने काम किया। हनुमान जी ने देखा कि एक विद्वान आदमी और हर तरह से, मतलब हर तरह से विद्वता है इनके अंदर, जो अपने धर्म के प्रति, अपने जात के प्रति, अपने संसार के प्रति जागरूक न हो, उसमें और जानवर में अंतर क्या है। तो हमको हमारे जीवन काल में इस क्षेत्र में पूर्ण रूपेण, अगर मैं मनुष्य किसी को मानता हूँ जो आप सामने बैठे हैं, ये आपके पुत्र हैं वैभव जी, भगवान की इसी कृपा वी और बी नाम का आदमी हमारे लिए बड़ा हितकारी है। तो अब हमारी भी इनके मुलाकात होगी, जिसको हम यूट्यूब पर डालेंगे ताकि लोग इनको कमेंट लिखें। हमने पूछा मेरा राजनीत से, क्या महाराज पूरे विश्व में इस समय इसको अगर कोई भूल गया तो गया, कितनी बड़ी बात कही। पूरे विश्व में जो भी जहाँ भी हमारा हिंदू समाज है, अगर इसको अनदेखी किया तो हजार साल के लिए पीछे हो जाए, हजारों साल एक हजार नहीं, हजारों साल। अब बोलिए, इस धरती पर किसी की बात जरूर है कि ऐसा अवसर आया है हिंदुओं को संगठित होने का। और हमारा तो यही कहना है, ऊंच नीच भेदभाव सब मिटाकर हिंदुओं को गले से लगाओ। और हिंदू एक ऐसी शक्ति है, अगर हिंदू एक चारपाई पर बैठ गया तो यह आप जान लीजिए कोई ऐसी सरकार नहीं, कोई ऐसा धर्म मजहब नहीं जो घुटने न टेकते। ऐसा हिंदू समाज है, ऐसी हिंदुओं की परंपरा है, ऐसी हिंदू की मान्यता है। बाबा अब तो अमेठी में आ गया है, रायबरेली का हवाई अड्डा। बाबा मुरारी वहाँ के हैं, मुरारी बापू नहीं है, ये बाबा मुरारी दास। अमेठी में अब तो अमेठी आ गया है, वो फुर्सतगंज में हैं। उन्होंने किसी ब्राह्मण सभा में कहा कि पूरे विश्व के लिए एक ही ब्राह्मण काफी है। कोई रायबरेली में ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम चल रहा था और एक बात आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अवस्थी हो और नाम के आगे राजेंद्र लिखा हो, वो भी बड़ा निरालय होता है। रायबरेली में
राजेश अवस्थी जो भंडारा वाला काम कर रहे हैं सुपर मार्केट में, वो भी विश्व विख्यात है। राजेंद्र अवस्थी बड़े प्रेमी बड़े वो, इसीलिए भैया हमारे जनेऊधारियों में इन लोगों का दबदबा का है। अवस्थी जो है वो रोम रोम से ब्राह्मण को अगर ढूंढना हो तो लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, लेंस ना लगाओ। अब इनका प्रेम देखो, बेचारे खुद गए नहीं लौटे भी नहीं भेजा। अब भाई इनकी भी उम्र हो रही है, इनका बड़प्पन देखिए, कहीं बस कहीं हमका मजाजा थोड़ी जल्दी में है, फिर कभी अब देखते हैं भाई दुकान में चाय मंगाओ मंगाओ तो संकोच लगता है, घर में पिलाओ या मोल मंगाओ तो सवेरे सवेरे बोहनी भा ना भा, इसलिए हम देखा जल्दी में है। कहीं महाराज उत्तर कब रहेगा, अब इन्होंने एक बात कह दिया उतरना पड़ा। हमका बात तो सही है, अभी हम लोग आखिरी भोज हमारा शमशान में होता है, वहाँ वहाँ सब फुर्सत है फुर्सत। विद्वान आदमी है और प्रेमी जीव है और पूजनीय है वंदनीय है, क्यों इनके अंदर हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व फूट फूट के भरा। हेलो, और जो ब्राह्मण हो हिंदू हो और इस रंग के विपरीत बोले उसमें औरंगजेब की औलाद में अंतर क्या है। तो अब देखिए हनुमान जी की कृपा, आप हमारी जब पूर्णमासी में आए पता लगा आप कहीं काम से गए हैं तो हम यहाँ हाजिरी जरूर देंगे। बस निवेदन ये है, हमारा सौभाग्य निवेदन ये है कि जाने में तो हम चाय पियेंगे, बाकी और दिनों में केवल ठंडा पानी पियेंगे। अभी हमारा जंक्शन हो गया राजेंद्र अवस्थी जी की दुकान पर, एक बिना रुके तो अब जाने ही नहीं है, चाहे दो मिनट के लिए रुके। तमाम देखो दरोगा जी आएंगे उनसे भी कहेंगे, एक दरोगा जी है मिश्रा इलाहाबाद में दरोगा हैं और रायबरी में रायबरी को रहने वाली, उनके साथ भी आना होगा, उनको भी लेके आएंगे। एक दरोगा जी भी आएंगे चरण छुएंगे, और ज़रूरी है इसलिए कि आपकी अंदर की एक क्वालिटी ही अलग है ना। अरे जिस एक ब्राह्मण हो हिंदू तो न हो अवस्थी महाराज, उसका तो सवेरे सकल देख लो पाप लग, आपके अंदर का यह ब्राह्मण तो था, आपने देखा कि एक है हाँ ये काम वैभव जी ये करना है, जब युग के ऊपर एक भूपा जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को जगाइए। क्या है 16 करोड़ ब्राह्मण पूरे विश्व में है, 16 करोड़, 8 करोड़ का माइनस कर दो अलग रख दो लड़का बच्चा, 8 करोड़ में गरीब गुरबा के निकाल दो, 4 करोड़ ब्राह्मण ऐसे पूरे विश्व में है। अगली बात ये उठाएंगे तो हम इनके स्थान में बात डाल दिया, 4 करोड़ ब्राह्मण पूरे विश्व में है हिंदुस्तान से लेकर दुनिया में, उनके जेब में 4G मोबाइल है। एक श्याम साधु नाम के ब्राह्मण ने, जब आप देखेंगे महाराज आपको हमारे खुशी का आपका ठिकाना नहीं होगा, जब आप देखेंगे अरे 2 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम एक छत्री ने रखा है, अब वही इनाम की घोषणा हम आपसे करवा देंगे, आपका जवान ही करोड़ों का होगा कि हमको दूसरा श्याम साधु दिखाओ और हमारी पूरी दुकान दे दो। 2 करोड़ का इनाम रखे हुए आज कई साल हो ठाकुर साहब ने रखा, आज तक कोई नहीं पर्चे छपवाए बटवाए कोई नहीं कि दूसरा ऐसा दिखाओ। पर्यावरण पशु सेवा योगा में जो निवड़ी क्रिया है कभी याद जलाना, इस दुकान पर आपको करके दिखाएंगे। भाई अब हमको इनका भी गौरव बढ़ाना है कि एक बाबा ऐसा आया इनके दुकान पर निवड़ी क्रिया दिखा के गया, अब वो अभ्यास तो कम है लेकिन दिखाएंगे, जिसके करोड़ों रुपए बाबा रामदेव ने कमा दिया। तो एक ब्राह्मण का अजूबा ब्राह्मण अगर आवेगा और एक ब्राह्मण है तो उसके खुशी का क्या ठिकाना होगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए हम चूँकि हमेशा जब भी आए हैं मंगनी का ड्राइवर, आज का ड्राइवर भी मंगनी का नहीं हो छुट्टी पर, राधे कहाँ गए राधे, ये है राधे, ये भी राधे हैं, राधे श्याम, राधे और श्याम दोनों बात में है और मैं केवल श्याम खाली बिंदा बन की कमी है तो ये सब बिंदा बने तो है। ये बिंदा बन तो है।
जहाँ पर जी राधे श्याम के साथ समाज जुड़ जाए, जुड़ जाए, वृंदावन हो गया। देखा जी, जी देखा तुकबंदी। और ये आज हर पूर्णमासी को ये छुट्टी लिया करेंगे, किसी काम के लिए। धर्म धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। और रह गई ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण सब कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। हर जो ब्राह्मण के उधर से पैदा जी वही ब्राह्मण है, वही है। और ब्राह्मण इस पृथ्वी की वह शक्ति है जी, जी, जिस समय ब्राह्मण एक चारपाई पर बैठ जाए तो दिल्ली क्या, धरती क्या, इंद्र का सिंहासन हिलने लगेगा। वो ब्राह्मण शक्ति है। ब्राह्मण अपने अस्तित्व को समझता नहीं, समझता हूँ क्या जी, जी। पंडित सब कोई हो सकता है, ब्राह्मण सब कोई कतई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने अस्तित्व को समझे तो जो 2 करोड़ का जब इनाम रखा गया वो इनाम देने कोई नहीं आया, तो नहीं आया। बाबा मोगाली से मैंने कहा, पढ़ा लिखा है वो लखनऊ के रहने वाला हमसदगंज है, रामलीला मैदान में मंदिर है, वहीं डेरा डाल दिया। बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, उसकी बात पर हंसी आई कि एक ही ब्राह्मण पूरे विश्व के लिए काफ़ी है। गाना एक ही रहा, गाना एक ही रहा, तो उसका ये कहना था कि श्याम साधु भी तो अकेला है। भाई उसका यही कहना है कि पूरे विश्व में ये वैभव जी आप जाते जाते लोगों को जगाइए, बताइए कि अगर अपने को नहीं पहचानोगे तो क्या तालिबान वाला पहचाने श्याम साधु को? और पहचान करा के महिमा मंडित नहीं होना है हमको, जब दिखाना है नहीं, ये मेरा दायित्व तो है, मेरा कर्तव्य है। देख रहा है, ये मेरा कर्तव्य है। अब बोलो, हमारी पहचान जो छिप गई है, मिट गई है जी, हर एक ब्राह्मण व्यक्ति को, ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण के लड़के को जी, जी, के बच्चों का ये पूरा पूरा दायित्व है जी, कि अपने अस्तित्व को समाज में जी विकसित करें और बताएं कि ब्राह्मण क्या चीज, क्या चीज है। ब्राह्मण वो शक्ति है जी, जी, अगर कर्मकांडी ब्राह्मण है और दुर्व्यसनी है, दुष्प्रभावी है, पापी व्यक्ति है, ये समझ लीजिए उसके बगल में उसकी परछा चाहे पड़ जाए तो ये समझ लीजिए उसका अंत हो सकता, ब्राह्मण हो सकता। लेकिन ब्राह्मण अपने अस्तित्व को नहीं समझता, यही। और हमको चाहे कुछ भी हो, जहाँ ब्राह्मण का अपमान देखते हैं जरूर उसके पास समझौता भेजते हैं कि अगली बार ध्यान रखिए। अभी एक कार्यक्रम हुआ था दलमों में, दिनेश शर्मा आए थे, दिनेश शर्मा जब आए थे तो वहाँ पर देवेंद्रानंद गिर जी भी आमंत्रित थे, वो नहीं थे, तो उनकी जगह जो दिव्यानंद जी महाराज, उनकी जगह क्योंकि उत्तराधिकारी हैं उनके, वो तो वो आए थे मंच पर, तो वो अपनी बात कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे, समाज की बातें कह रहे थे, कुछ कमियां बता रहे थे। मनुष्य भी हैं, संत भी हैं, और आपके बुलाए हुए आमंत्रित सदस्यगण भी हैं, उनको मंच पर बोलने के लिए बोला गया। मैं यहाँ पर नहीं था, लौट के आया तो मुझको पता चला। उसके बाद में विधायक जी ने कहा जिनसे वो बैठे लगा, हमने तुरंत उनके पास मैसेज भेजा कि ये गलत बात है, आप राजनीतिक मंचों पर जाना बंद कर दो, ये हमारे संत देश का ब्राह्मण व्यक्ति का अपमान। तुरंत हमने तो इस तरह की जहाँ कोई बात होती है मैं तुरंत आप दर्शन करता हूँ, भले कुछ कर पाऊँ उसका असर पड़े न पड़े, लेकिन मेरी ये आदत ब्राह्मण का कोई लड़का है दुर्व्यसनी है चिड़िया खा रहा है उससे जरूर बोलेंगे, क्यों खाते हो, देखा पढ़े हो, तब हाँ पढ़े हैं, हाई स्कूल पास हो, हाँ कितने परसेंट नंबर है, 60%, 80% क्यों नहीं, अगर बोला 80% तो 90% क्यों नहीं, इसका मतलब तुम घूमते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, माता पिता का पैसा बर्बाद करते हो, ठीक से पढ़ाई करो, गलत बच्चों का साथ मत करो, अच्छे लोगों का साथ करो, सबको मैं बताता हूँ। बहुत अति सुंदर, तो ठीक है, हम बारी को विराम देना चाहेंगे और हमको याद दिलाना है ना, और कोई ना कोई जो है वो भेंट करेंगे
इनको और ये फूल के कुप्पा हो जाएंगे कि एक रायबरेली जिले का ब्राह्मण बाबा फूल के कुप्पा है कुछ आपके बारे में बताना थोड़ी है, मैं तो खुद ही सब कुछ जानता हूँ, आपके घर में अनेकों बार बैठ के चाय पी चुका। नहीं वो तो अपनी जगह है, जब आप ये देखेंगे कि खुद का पैदा किया हुआ नारियल कोई बाबा आपको दे तो रहा है, मतलब पूरे भारत की यूपी के लिए अनोखी बात होगी। खुद का पैदा किया हुआ नारियल, खुद का पैदा किया हुआ सेब टाइप का अमरूद आप सामने रख दिया जाए, आप ये नहीं कहेंगे कि अमरूद है। एसपी साहब डीएम त्रिपाठी को जब मैंने दिया कहें क्या यार मजाक करते हो, आज 25 साल पहले की बात, कहें क्या यार मजाक करते हो, लाए हो सेब का तो काट के देखिए तो हंसने लगे। डीएम त्रिपाठी रायपुर में एसपी साहब रह चुके हैं, तो कुल मिला करके आज हनुमान जी ने हमको जगाया और आप जाके आपने बुलाया, तो आज भैया इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कृपा है, हमने थोड़ी बुलाया, नहीं, हम क्षमा चाहेंगे, हम क्या हैं, आप क्या हैं, सब कुछ भाई। अभी तक मंगनी का देखो, मंगनी का ही ड्राइवर मिलता रहा, चले रहो भागे रहो भागे रहो, अब ये ड्राइवर देखो हनुमान जी की कृपा, क्यों ऐसे 24 कैरेट के अवंती महाराज जो है इनके चरण जो छू ले तो समझो कि कुछ प्राप्त हो गया। मैं सामान्य आदमी हूँ, आइए लीजिए इनका आशीर्वाद लीजिए, आइए हम बताइए साधु जी का जो है एक बड़ा, आइए राधे जी आशीर्वाद लीजिए, मुझे जो है ये हमारे गुरु भाई समझो इनको। अच्छा आपकी उम्र क्या है इस समय? 65 और हमारी क्या होगी? आपकी तो प्रभु जाने भाई, कुछ अंदाज जो भी हो। नहीं कोई अंदाज लगाओ, इससे तो हम ज्यादा ही है, 70 के आगे ही होगी है? 70 के तो आगे ही होगी, तुमका याद है कुछ बताओ? 84 जय हो जय हो जय हो। मैं 84 में चल रहा हूँ, पूरे विश्व में चर्चा है, बैठ जाओ। हमारे खानदान में, हमारा बहुत बड़ा खानदान है, पता है कुछ नहीं तो, बताओ, हाँ, हाँ हमारे खानदान में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में और हमारे रिश्तेदारी में दूर दूर तक हमारी उम्र का कोई नहीं है, कोई है हमारे गांव में नहीं, जितने रिश्तेदार रहे वो मर गए, जितने भाई भौजाई यहाँ तक मेहरियो चली गई, केवल मैं अकेला बच्चा हूँ, हनुमान जी चला रहे हैं। लाइव पर मैं बोलता हूँ लोगों को ताजुब कि 84 में कैसे हैं आप, और सरकार की कुछ लापरवाही समझिए कि इसी अप्रैल के महीने में किसी की साजिश रही, कोरोना जेल के अंदर हमको हमारे नाती को डाल दिया गया। अच्छा, हाँ इसी अप्रैल महीना में जो अप्रैल बीता है और वही जब में श्रीमती जी देखे इनका पूरी पकड़ ले गई मरीज, वही में वो गिर पड़ी, मतलब सदमा। और 3-4 दिन 5 दिन बीमार रही, हम लौट के आवा, उसके बाद कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, वही में मर। 20 अप्रैल उनका सब ड्यूटी पर पड़ा है, यहाँ आए जैसे गए लाश उतारी गई, सारे बंधुओं ने हमको भेज दिया और चना एक बोरा लेके आए रहे, जब डॉक्टरों ने कहा कि ख़त्म हो गई है तो पानी गर्म करवाया, एक गर्म चने में खौलता पानी डलवाया ताकि चना भूल जाए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जलमऊ के मरघट के जितने बंदर हैं हम काली पहुँच जाए महाराज वो हमका घेर दें। अब श्रीमती जी की पार्टी जा रही है, खानदान के भतीजों ने कहा अरे आओ पीछे आओ, हम कहा आ रहे हैं भैया देखो तो पहले दे दें, एक बोले चिता में मुखाग्नि दिया और फिर बंदर भोज किया, भोज करके तब आए। तो मतलब यह कि लोगों को मेरा ये कहना है कि हम मृत शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, अरे आत्मा जहाँ जा रही है उसके लिए कुछ करो। तो दिल्ली के सुमन माँ ने कहा कि आपकी पत्नी भूखी नहीं गई, आपने वो काम किया। अब जबकि इस सेना के बड़े बड़े अधिकारी जो दिवंगत हो गए हैं उनके नाम से भी मैं काम कर रहा हूँ, अफसोस होता है कोई उनके परिजन एक बार फोन भी नहीं करते, अरे भैया जब इतने बड़े अधिकारी रहे अब तो नहीं रहे ना, अब तो थोड़े नम पर जाओ, फोन तो कर दो ना, कोई फोन नहीं हम तो अपना काम कर रहे हैं, फोन करेंगे क्या हमको उससे कोई प्राप्त होगा, लेकिन मन को अच्छा लगेगा। मैं यहाँ उतर के आया, आप फूल के कुप्पा हो गया क्यों? क्यों कि आप देखा जाए हर सैनिक नहीं होता, हर अवस्थी नहीं होता, हाँ परसेंटेज देखा जाए तो अवस्थी जो है बड़े स्वाभिमानी होते हैं,
इनके अंदर ब्राह्मण पर जो है खूबसूरत के भरा होता है, एक बड़ी खास बात है, परसेंटेज देखा जाता है। और वाजपेयी जी महाराज क्या है अपना कहना तो अच्छा है, अब जो भी हो वो शेष तो माने जाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन कुल मिला करके हमारा जनेऊ हमको देखना है, सब हमारे भाई बंधु हैं, बात 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 मेरे परिवार के, परिवार के हैं जी, मेरे शरीर के भी अंग हैं, अंग किसी के नहीं, जी जी, हर शरीर में इतने अंग हैं, हाँ हाँ, सबका अलग अलग काम काम है, बिल्कुल ये है, वंदना करते हैं, हाँ हाँ, तो सब मिल के करते, देखा शरण है, हाँ, वंदना स्थान तक हमको पहुँचा देते हैं, पहुँचा देते, ये मन है जो उनका दर्शन करा देता है, जी जी जी। जितने शरीर के अभिन्न अंग हैं सबका काम अलग 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 है, कोई अंग निंदनीय नहीं है, लेकिन इसको हम काट के देख नहीं सकते हैं, ना सवाल ही नहीं, देखा पूरे हो जाएंगे, चाहे कोई हो, तिवारी हो, वाजपेयी हो, अभिन्न अंग है, क्या बात कह, यही हमारे हिंदू समाज, समाज में जी कोई भी जात हमसे अलग नहीं, अलग नहीं जी, आज से नहीं जी, ये सनातन धर्म की बनाई व्यवस्था है जी, पढ़ाई का काम अलग होता था, चमार का काम अलग होता था, हाथी का काम अलग होता था जी, लोहार का काम अलग होता था, बढ़ई का अलग होता था, नाई का अलग होता था, ब्राह्मण का काम अलग होता था, क्षत्रिय का अलग होता था, तब ये हमारा हिंदू समाज चलता था, चलता और संगठित था, संगठित विखंडित नहीं था, ना, ना, ना। संगठित था, आज के नेता ये बात कोई नहीं बताते, नहीं बताते कि हिंदू क्या चीज है, क्या चीज है, हाँ। भाई अगर उनसे पूछो आज अपने लाभ के कारण जाति को बंटवारा कर रहे हो वोटों के लिए, बस बस अपने जैसे चमार है मायावती ने उनको बांटा, अलग किया समाज, अलग उनकी भावनाओं हाँ। को गंदा किया, देखा, लेकिन उनसे पूछो आज से सैकड़ों साल पहले जब घर में कोई बच्चा होता था तो उनके घर की बूढ़ी बुजुर्ग योग्य महिला आती थी और हमारी माता बहनों का प्रसव कराती कराती, उसके बदले मुझको कुछ देते नहीं थे, ना कुछ देते नहीं थे, व्यवस्था हमारे समाज की ये होती थी कि साल भर में दो सीजन होते धान गेहूं का जब समय आता था तो उसका भी हक था जेवरा दिया जाता, उसका सम्मान है, ये उसका अधिकार है, अब ये अधिकार खत्म हो गया, कटुता पड़ गई, जब शादी होती थी उनके परिवार का व्यक्ति उसके जिनकी अपने हिंदू समाज के अनुसार पूजा तक होती एक शगुन होता, ठीक है, और उसके बदले हम उसको कुछ पैसा नहीं देते, इतने था प्यार था एक दूसरे परिवार के प्रति, इतना लगाव था, और इतने समय वो 13 परजों में एक प्रजा बन के आती थी, हमको नेक दी, बड़े गर्व से कहते कि अरे लल्ला सबसे पहले हम ही ने खिलाया तुम, ये बात कोई नहीं, बढ़ई है खेतों में हल चलते हैं उनके सारे, बैलगाड़ी है, हल है, हथिया है, खुरपा है, उसमें पेट डालना है, ये करना है, वो करना है, उसका भी हर 6 महीने में कुछ हिस्सा बता दो, ठीक है, और जब हमारे यहाँ शादी होती थी तो दीवट और दीड़ा बनाते थे, उस पर बैठ के हम लोग पूजा करते थे और एक से दो लोगों का मिलन होता, मिलन, ये बात कोई नेता नहीं था, नहीं बता, लोहार है और करीब आ जाओ वहाँ गाड़ी की आवाज़ आ रही है, लोहार है किसानों के सारे यंत्रों की सुरक्षा करता था, पीट के उनको दुरुस्त करता था, उन्हीं से खेत जोते जाते थे, अन्न पैदा होता था, उसको भी जोरा मिलता था हर 6 महीने में, उसका वो कोई पैसा नहीं लेता, शादी विवाह होती थी तो एक लोहे का कंगन और एक छल्ला बना के देता था कि कोई नजर न लगे, कितना प्रेम, कितना प्रेम, अगाध प्रेम, अगाध परिवार के प्रति, ये बात कोई नहीं बताता, नहीं बताता, और हम उसके बदले वो भी कहता था कि हमारा 13 परजों में वो भी होता था और उसको हम सम्मान करते थे, साड़ी ब्लाउज देकर पैसा देकर उसको अपने घर से विदा करके वो आशीर्वाद देता था, परिवार बढ़ोतरी की कामना करता था, इसी तरह बढ़ई, ज्यादा बात तो करने की जरूरत नहीं, सब कोई जानता है कि बिना एक दूसरे के
काम नहीं चलता, काम नहीं चलता। जैसे धोबी है ऐसे तो हमारे मैले कुचैले कपड़े धोता है, जी जी, है हमारे बच्चों की लैट्रीन सफा करता है, जी जी, है जी। और हम उसको दरवाजे बैठाते हैं, जी। परंतु जब शादी होती है, विशेषकर हमारे ब्राह्मणों की बात आप बता रहे हैं और कि नहीं, जब शादी होती है तो लड़की को वो दुहाग भी देने होती है, ये बात कोई नहीं बताता नेता। हाँ, क्या हमारे घर में कोई बहन बेटी या माता सुहागन नहीं है जिससे हमारी बेटी दुहाग है? नहीं, ये उसका सम्मान है, गर्व से उसका सीना भूल जाता है। मैंने सुहागन बनाया, जी जी। लेकिन ऐसी बातें कोई नेता नहीं बताता, संदेह नहीं, कोई धर्म वाला व्यक्ति नहीं बताता। और एक व्यक्ति अब आज देखिए छूटे है, अब जैसे किसानी में बढ़ई का कोई काम नहीं रह गया, लोहार का कोई काम नहीं रह गया, तमाम लोगों कोई काम नहीं रह गया, तो हम समाज से अलग होते जा रहे हैं, हमारा समाज निखंडित होते जा रहा है, इसको एक करने की जरूरत है। यही हिंदू एकता की बात है। आज से सैकड़ों साल हजारों साल पहले की बात को अगर ध्यान करके, और मैं उनसे भी कहता हूँ जो जैसे मान लीजिए पासी हैं, चमार हैं, पढ़ई हैं, यादों हैं, फलाना है, दिमाका है, ये सब भूल जाए भाई। अब आज जैसे मुलायम सिंह है, वो कहते हैं कि सब कुछ यादों हमारा है, लेकिन उससे पूछो, हम उसका सम्मान नहीं करते, उसको हम अपने खेतों का राजा बना के रखते। किसानी के विषय में जो कुछ पूछना होता था, कब हमको गेहूँ बोना है, कब नहीं बोना है, कब काटना है, कब काट देना है, ये सम्मान था, लेकिन ये सब नहीं बताते। इसलिए हमारा हिंदू समाज संगठित है, इसको संगठित होने की जरूरत है। हिंदू संगठित हो गया तो समझ लीजिए विश्व संगठित हो गया। ठीक है, तो ठीक है भगवान, चाय के बहाने आपने बहुत समय दे दिया, इसके लिए आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर हम प्रतीक्षा रख रहेंगे 24 कैरेट का। अरे एक ब्राह्मण मेला, कुछ ना कुछ उसमें कमी रखिए, इकट्ठे 24 कैरेट का दीजिए। अभी थोड़ा धूल मिट्टी शरीर में पड़ी होगी, कुछ काम करने का तो उसकी रखिए, उसकी पूर्ति ये करेंगे। और भगवान ने चाहा तो गाड़ी बंधन भोज की तो रहेगी ही, हम नहीं आएंगे तो हमारी बेटी आया करेगी, वो स्वयं गाड़ी चला भी लेती, उसको सारी ट्रेनिंग दे रखी है। पहले उसी ने तो कई बार हमको चाय वाय दिया बना के, लेकिन अब काफी दिन से संपर्क नहीं। अब आएगी, अब ये जंक्शन हो गया, गाड़ी आएगी रुकेगी, बेटी भी आएगी वो यहाँ रुकेगी, क्योंकि जो कार्य हो रहा है महाराज, बताओ हनुमान जी को हम लड्डू खिला, हनुमान जी नहीं खा रहे, हम जबरदस्ती पेड़ पेड़ लगाए हैं और बंदर भूख से मर रहा है। हनुमान जी के सेना में कौन लड्डू कहाँ खाते हैं? तब भाई हम लड्डू लेके जाते हैं तो हनुमान की, बजरंग बली के, राम के दूत की ऐसी कृपा है जी, उसको स्पर्श कराते ही वो लड्डू प्रसाद बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। हमको लड्डू लेके जाते हैं, वो क्या देते हैं? प्रसाद बनता नहीं, लेकिन वो प्रसाद बंदर के भी तो मिले ना, अब बंदर भूख से मर रहा है, अब इनसे भूखिए तीन तीन बोरा चना माने रखता है, दो पैसा पर पैसा भेजते हैं, मना करने पर, हमने मना कर रखा है कोई आदमी पैसा मत भेजो लोग। अरे जब यूट्यूब पर आप देखेंगे ना रात में, आपके होश उड़ेगी, गरीब एकदम आदमी बोल रहा है, सब उनकी कृपा, समझ गए, सब उनकी कृपा, वो कहते नहीं। लोगों को मना किया है, 10,000 अमेरिका से आया मेरे जन्मदिन पर, वापस कर दिया, अमेरिका हमको जेल वाले बाबा ना बना, समझ गए, हमको अलग मेरी पहचान है, तब तो आपको घर हुआ। अमेरिका से आया कह दीजिए, आप हमारे प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जी, हमारे धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जी, हम हृदय से आपका सम्मान करते हैं। वो तो मैंने कहा, परंतु हमारे हिंदुस्तान में खुद ही ऐसे धनाढ्य हैं, धनाढ्य कि वो जीवन भर पूरे देश के बंदरों को चना खिला सकते हैं, तो आपका आशीर्वाद चाहिए बस जी, बिल्कुल। तो अब चला जाए, और क्या नाम है, ठीक है प्रभु जी, है ना, अब हर पूर्णमासी को राधे, बिना कहे और पहचान मन्ना टेढ़ा की बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, और यही बगले में दुकान है, उसी नाम है काफी, किसी घाट पर किसी व्यक्ति से पूछ लो जी, अवस्थी बिस्कुट वाले हर बच्चा बता दो। हाँ, वो तो मालूम है,
अब ऐसे भी इनको बता दिया तो अब रुका करेंगे दो मिनट किया कि ज्यादा टाइम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब हमको कई जगह भी जाना है। हमारा सौभाग्य होगा अभी मसलहा गांव में 20 किलो आटा जो है साना जा रहा है। मसलहा गांव है वहां रामगंज भरतगंज इलाके में। अब वहां दोपहर तक गए तो गए, नहीं वही रोटी कर देंगे। दाले में रोटी खराब नहीं जाती है तो वहाँ के बंदरों को देंगे। ताले वाले बंदर हैं अगर बगल आपके कहीं हो तो बताइएगा। यदा कदा कभी कभी आते थोड़ा गंगा पार में। गंगा पार में अच्छा तो चलो भाई रोटी। अच्छा तो हम लोगों की गाड़ी भी लाल बंदर भी है कोई गाँव है नहीं नहीं अगर पुल पार करेंगे गंगा का तो उस पार कितनी दूर जाना पड़ेगा काले वाले हम पता करके सही सही बताएंगे। हाँ बताइए क्योंकि उधर भी संपर्क है जी मतलब ज्यादातर वो कहाँ पे मिलेंगे। हमारी एक इच्छा है अगर संभव हुआ तो आप इसकी पूर्ति करेंगे। केवल जवान आपको दिमाग लगाना है। हमारी इच्छा ये है कि गंगा जी के किनारे हमारी समाधि बने कहीं भी बने। वो जमीन भले हमको खरीदना पड़े ताकि उसके ऊपर बंदर भोज चलता रहे। बंदर भोज हमारी जो आबादी आएंगे बहुत अच्छे से। आप गंगा जी के किनारे कहाँ पर जगह दिलवाना आपका काम है। वहाँ जो भी मूल्य चुकाना होगा वो पूरी दुनिया के लोग तैयार है देने के लिए। मिले सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि शासनिक और प्रशासनिक जी इसके लिए अपनी इच्छा पहले जी जैसे मुख्यमंत्री जी जी प्रधानमंत्री हाँ जिलाधिकारी जी हैं इनके कार्यालय में मरने से पूर्व सूचना अच्छा उनको दे दीजिए अच्छा। कि मेरी ये इच्छा है ये काम होना चाहिए अच्छा। तो अड़चन नहीं होगी अच्छा ये आवश्यक है अच्छा। नहीं तो पहले अरे ये हाँ। जो है क्या कहते हैं कि ये नजूल की जगह है फलाना है धमाका है ये है वो है तो नजूल की जगह के अलावा तमाम बाग बगीचे भी हैं वहाँ पर। तो उस समय देखा जाएगा व्यवस्था की जाएगी जब ये होगा। अब जैसे योगी जी हैं उनके पास नेता पहुँचाना उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब एक काम कीजिएगा एक कुछ अपने ब्राह्मण परिवार से कुछ एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए। एप्लीकेशन जो है लोगों के दफ्तर के नौका बच्चा या सब दफ्तर मार दिए अलग अलग तो होगा कि जनता भी मान रहे। हमारे पास रिकॉर्ड बनेगा यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे। तो एक आपने एक बढ़िया एक तरीका बताया। इच्छा है कि जिंदगी भर गंगा जी को देखते रहे और हमारी समाधि में बंदर भोज होता रहे समझ गए। और आज इतने बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं। कल लखनऊ से एक साहब आए हरी माला पहनाने के लिए और वो के बारी है वो अब नहीं वो क्यों आए हम नहीं उन्होंने भेजा है उन्होंने भेजा बस, बस। जी तो ठीक है महाराज। तो आज लंबी बैठक हो गई। अब अपने आप कहाँ आपने आप, बोला था कि टाइम नहीं आप तो है टाइम नहीं एक फोटो लो जरा कोई आपके फोटो ले लो उसको बंद करो वीडियो को छोटे भैया तुम